नमस्कार, गायत्री स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय के भाग दो का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने भाग एक में पृथ्वीराज चौहान का जीवन परिचय, उससे पहले तुर्कों का भारत में आगमन आदि का अध्ययन है वो किया था। आज हम इस वीडियो में पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध का जीवंत वर्णन है वो पढ़ेंगे। तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने अल्प आयु में निसंदेह अपने शौर्य, पराक्रम और युद्ध नीति से कई दुश्मनों को पराजित कर दिया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उसने अपने आसपास दुश्मन पाल लिए थे। कोई भी पड़ोसी राज्य ऐसा नहीं था जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मदद कर सके। उत्तर में भंडानक नाराज, इधर महोबा राज्य नाराज, इधर गुजरात राज्य नाराज, और उनका सबसे पड़ोसी व संबंधी राजपूत राज्य जिसका नाम था कन्नौज। कन्नौज के शासक उस समय जयचंद गैडवाल थे। जयचंद गैडवाल पृथ्वीराज के मौसेरे भाई लगते थे, लेकिन दोनों के बीच में सामाजिक संबंध होते हुए भी वैमनस्यता चली आ रही थी। दिल्ली पर नियंत्रण को लेकर, राज सिंहासन को लेकर पृथ्वीराज चौहान व जयचंद गैडवाल में कटु संबंध है। पृथ्वीराज चौहान अपनी दिग्विजय नीति को पूरा करने के लिए भी कन्नौज राज्य को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। वहीं जयचंद गैडवाल भी महत्वाकांक्षी शासक था। उसने भी अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में युद्ध का कारण तो तय था। इसी बीच पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जयचंद गैडवाल की पुत्री जिसका नाम संयोगिता था, संयोगिता के साथ जयचंद गैडवाल की अनुमति के बिना ही बलपूर्वक पृथ्वीराज चौहान ने विवाह कर लिया। इससे शत्रुता और बढ़ गई।
इसके बाद तो जयचंद किसी भी तरीके से बदला लेना चाहता था और वह अवसर ढूंढने लगा। कई इतिहासकार मानते हैं कि तुर्की आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी को जयचंद गढ़वाल ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए सहायता का वचन देकर पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। पुराने प्रबंध संग्रह में देखा जाए तो गोरी के हाथों पृथ्वीराज की जब पराजय हुई थी तो इसे सुनकर पृथ्वीराज की पराजय को सुनकर जयचंद ने खुशियां मनाई थी। इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत हैं वास्तविकता कुछ भी हो, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी से युद्ध करना पड़ा था। दोनों के बीच में वैमनस्य चला ही आ रहा था। चंद हृदय की रचना पृथ्वीराज राशो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान तृतीय व संयुक्ता के प्रेम प्रसंग को लेकर जयचंद नाराज था और जयचंद ने राजस्व यज्ञ के साथ संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया और इस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को छोड़कर सभी भारत के राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया था। इतना ही नहीं, जयचंद गढ़वाल ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उसकी मूर्ति बनाकर द्वारपाल पर लगा दी थी। स्वयंवर के समय राजकन्या अपना पति स्वयं चुनती है। उस समय संयोगिता ने वरमाला पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में डाल दी और जब पृथ्वीराज को पता लगा तो पृथ्वीराज तृतीय सेना लेकर आया और संयोगिता को उठाकर वो ले गया। जयचंद के सैनिकों ने पृथ्वीराज को रोकने का प्रयास किया किंतु वे सफल नहीं हुए। इस मत के बारे में इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत हैं। जैसे इतिहासकार डॉक्टर आर एस त्रिपाठी, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा और विश्वेश्वर नाथ रेव जैसे इतिहासकार इस पृथ्वीराज राजस्व की घटना को अस्वीकार करते हैं, लेकिन
यह घटना इससे प्रेरित थी, जुड़ी हुई थी। कई इतिहासकार जैसे डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज में संयोगिता की घटना को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार भी है वो करते हैं। अर्थात इतिहासकारों में भी इनके बारे में भिन्न भिन्न मत वो देखे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गोरी के बीच संघर्ष का कारण, बहुत इम्पोर्टेंट है। गजनी के गवर्नर बनने के बाद से ही मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया था। इसके बाद उसने गुजरात, सियालकोट और लाहौर पर विजय प्राप्त की। राजस्थानी स्रोतों के अनुसार इस दौरान उसकी पृथ्वीराज चौहान के साथ कई लड़ाइयां हुई थी। पृथ्वीराज राजों में 21 बार वह हमीर महाकाव्य में 7 बार गोरी पर पृथ्वीराज की विजय का दावा किया गया है। दोनों के बीच निर्णय युद्ध भी हुए, लेकिन इन दोनों में तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी व तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गोरी के बीच 1191 ईस्वी में तबर हिंद नामक स्थान पर अधिकार करते हुए जब मोहम्मद गोरी तराइन पहुंचा तो पृथ्वीराज चौहान भी अपनी सेना लेकर वहां पहुंचा और दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली के सामंत व पुत्र गोविंदराज ने अपनी बरछी के वार से मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया था। घायल गोरी अपनी सेना सहित गजनी भाग गया। पृथ्वीराज ने तबर हिंद पर अधिकार कर वहां के काजी जियाउद्दीन को बंदी बना लिया था और उसके बाद एक बड़ी धनराशि के बदले उसे रिहा किया गया था। अर्थात तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को
पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरह पराजित किया और पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। मोहम्मद गोरी ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान है वो बचाई थी। मोहम्मद गोरी ने अपमान से सीखा, वह अपमान को भूला नहीं और वह पुनः गजनी गया और गजनी जाकर उसने अपनी सेना संगठित की और तराइन के प्रथम युद्ध में वह राजपूतों के शौर्य पराक्रम से भली भांति परिचित हो चुका था। इसलिए उसने पुनः सज धज कर और एक विशाल सेना लेकर अपनी पराजय का बदला लेने के लिए पुनः तराइन के मैदान में आ डटा। पृथ्वीराज भी शत्रु पक्ष का मुकाबला करने के लिए 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में पहुंचे, मैदान में पहुंचे, लेकिन इस बार गोरी ने युद्ध में छल कपट का सहारा लिया। उसने पृथ्वीराज चौहान के सामने संधि वार्ता का झांसा दिया और संधि वार्ता के झांसे में आकर पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध करने का मन है वो त्याग दिया और मोहम्मद गोरी ने अचानक रात्रि के तीसरे पहर में पृथ्वीराज चौहान की सेना पर हमला कर दिया और उसके पृथ्वीराज चौहान के प्रसिद्ध घोड़े को बदल दिया नाट्यरंभा को और उसकी जगह नृत्य में निपुण घोड़ा खड़ा कर दिया। रात्रि के समय में छल कपट के आक्रमण के दौरान पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सेना इस आक्रमण को झेल नहीं पाई और पराजित हुई। पराजित चौहान सेना और उनके सेनापति पृथ्वीराज चौहान तृतीय को सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान पर बंदी बना लिया गया और पृथ्वीराज आशु के अनुसार गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गया जहां पृथ्वीराज के मित्र चंद्रप्रदाई मिलने गए और चंद्रप्रदाई के शब्द भेदी बाण जो पृथ्वीराज के सामने चंद्रप्रदाई ने दोहा बोला था, 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण तापर बैठो सुल्तान चुके मत चौहान, इसके साथ ही पृथ्वीराज चौहान ने गोरी पर तीर है वो मार दिया
जिससे गौरी की मृत्यु हो गई। जबकि समकालीन इतिहासकार हसन निजामी के अनुसार यह बात स्वीकार्य नहीं थी। मोहम्मद गौरी के बंदी के रूप में पृथ्वीराज रहे और उनकी हत्या कर दी थी। इस तरह पृथ्वीराज चौहान हुई। पृथ्वीराज चौहान निसंदेह वीर पुरुष था। उसने दल पंगुर विश्व विजेता की उपाधि प्राप्त की थी। विद्यानुरागी था। उसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन, जयानक, विश्वरूप और आशाधर थे। चंद्रवरदाई का प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, जयानक का पृथ्वीराज विजय महत्वपूर्ण माने जाते हैं। धन्यवाद।